बीते तेरे जीवन की घड़ियां आराम की ठंडी छांव में। ये एक ऐसी अभिनेत्री हैं जिन्हें फिल्मी दुनिया में रहते हुए भी बेहद शालीन और सभ्य माना जाता था। अगर वो आए, ऐसे कटे तन्हाई, सुने शहर में जैसे। इनके अभिनय में जो सादगी थी वो दर्शकों के दिलों को छू जाती थी। एक ऐसी अभिनेत्री जो नृत्य कला में पारंगत थी, वो जब पर्दे पर रोती तो सिनेमा हॉल में बैठे दर्शक भावुक हो जाते। वो जब नृत्य करती तो वाकई एक अप्सरा जैसी नजर आती। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस अभिनेत्री को नृत्य की शिक्षा देने वाले गुरु ने सिर्फ इसीलिए मना कर दिया था क्योंकि ये दूसरे मजहब से आती थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस बेहद शालीन और सौम्य अभिनेत्री पर एक शादीशुदा अभिनेता की बर्बादी का इल्जाम लगा था। और सिर्फ इल्जाम ही नहीं, उस अभिनेता की मृत्यु को भी इनसे जोड़ा जाता है। ग्लैमरस वर्ल्ड का हिस्सा होते हुए भी इस अभिनेत्री ने कभी भी बिकनी जैसे कपड़े तो दूर, बड़े गले वाले कपड़ों से भी परहेज रखा था। ये मौसम भीगा भीगा है, हवा भी ज्यादा ज्यादा है, क्यों न मत। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक गाने में सेंसर बोर्ड को उनकी आंखें इतनी नशीली लगी कि उस गाने से उनका एक सिर निकालने तक का सेंसर बोर्ड ने आदेश दिया था। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो। क्या आप जानते हैं, अपने फिल्मी सफर की शुरुआत उन्होंने तेलुगु भाषा की फिल्म से की थी, वो भी एनटी रामा राव के साथ, जो बाद में आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं। कौन थी ये अदाकारा, कहां से आई थी बॉलीवुड में, कैसा रहा इनका फिल्मी सफर और कैसी थी ये निजी जिंदगी में, जानेंगे इनके बारे में और भी बहुत कुछ। बस बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ज्योति और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्लासिक एरा। ओ मेरे हमराही, मेरे बाहत हमें चलना, बदले दुनिया सारी। आज हम बात कर रहे हैं बेहद खूबसूरत और सादी सी दिखने वाली अभिनेत्री वहीदा रहमान के बारे में, जो लगभग 50 से 70 यानी कि 3 दशकों तक फिल्मी पर्दे पर अपने शानदार अभिनय के लिए जानी जाती रही हैं। पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का। यहाँ तक कि 90 के दशक में भी जब वो पर्दे पर आई थी तो लोग फिर से उनकी अदाकारी के कायल हो गए थे। चलिए जानते हैं इनके बारे में शुरू से। वहीदा रहमान का जन्म 3 फरवरी 1938 में तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में हुआ था। उनके पिता मोहम्मद अब्दुल रहमान डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर थे और उनकी मां का नाम था मुमताज बेगम। ये दुर्भाग्यपूर्ण था कि जब वे मात्र 13 साल की थी तो उसी समय उनके पिता का देहांत हो गया और उनकी मां अक्सर बीमार रहने लगी। वहीदा रहमान की पढ़ाई कॉन्वेंट स्कूल से हो रही थी और वे डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन इन हालातों की वजह से उन्हें अपना सपना छोड़ना पड़ा। पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने भरतनाट्यम की शिक्षा भी ली और वही कारण बना उनका फिल्मों में आने का। हालांकि उनके नृत्य शिक्षा देने वाले गुरु ने आरंभ में उन्हें सिखाने से इनकार कर दिया था क्योंकि वे एक मुस्लिम परिवार से थी और उनका मानना था कि वहीदा उन भावों को नहीं पकड़ पाएंगी जो भरतनाट्यम में बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन वहीदा की जिद और लगन देखकर वे उन्हें नृत्य सिखाने के लिए
तैयार हो गए थे। उस समय उनके पिता की पोस्टिंग चेन्नई में थी। खैर, पिता की मृत्यु के बाद हालात ये बन चुके थे कि भरतनाट्यम के एक स्टेज शो के दौरान जब उन्हें एक तेलुगु फिल्म में डांस करने का मौका मिला तो उन्होंने उसे तुरंत स्वीकार कर लिया और उसके बाद वे एक और तेलुगु फिल्म में लीड रोल के तौर पर आई। एनटी रामाराव इसमें उनके हीरो रहे थे। उस समय तक वहीदा 17 साल की हो चुकी थी। फिल्म का नाम था जया सिम्हा। इसके बाद उन्हें एक और तमिल फिल्म अली बाबावम 40 थिरुदरगलम में भी काम करने का मौका मिला जो अली बाबा और 40 चोर कहानी पर आधारित थी। यही समय था जब हैदराबाद में वहीदा रहमान की मुलाकात हुई एक्टर डायरेक्टर गुरुदत्त साहब से। गुरुदत्त वहीदा रहमान से बेहद प्रभावित हुए और उन्होंने वहीदा को बॉम्बे बुला लिया और अब आई वहीदा रहमान की पहली हिंदी फिल्म सीआईडी, जो कि एक क्राइम थ्रिलर थी और इसमें वहीदा ने नेगेटिव किरदार निभाया था। इस फिल्म में वहीदा को देवानंद साहब के साथ काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में वहीदा की अदाकारी दर्शकों के दिलों को छू गई। साथ ही गुरुदत्त ने उन्हें एक और फिल्म प्यासा में हीरोइन के तौर पर फिर से पर्दे पर उतारा। इस फिल्म में वहीदा ने एक प्रोस्टिट्यूट का किरदार निभाया। अब तक अपनी दो हिंदी फिल्मों में से एक में वो नेगेटिव किरदार तो दूसरी में प्रोस्टिट्यूट बनी। ये दोनों ही रोल्स उनके भोले से चेहरे पर कम मैच कर रहे थे, पर वहीदा का अभिनय हर बात को पीछे छोड़ता चला गया। देवानंद के साथ ही उनकी एक और फिल्म ईयर 1958 में रिलीज हुई। फिल्म का नाम था सोल मसाल। मैं अपना दिल छुआवारा न जाने किस पे। इसके बाद वे फिर से गुरुदत्त के साथ ही फिल्म 12 क्लॉक में नजर आई। ये फिल्म भी 1958 में ही रिलीज हुई थी। मैं खो गया यहीं कहीं, जवां है रुक समा हंसे, कहां है दिल किसे पता कहां। वहीदा रहमान और गुरुदत्त की जोड़ी को दर्शकों के द्वारा खूब पसंद किया जा रहा था और साथ ही इस फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों के संबंधों को लेकर भी खूब चर्चाएं होने लगी थी। आप मुझे माफ कर दें तो अच्छा है, मुझसे एक्टिंग नहीं होगी। मैं जिस हाल में हूँ अच्छी हूँ। किस हाल में? मेरा मतलब तुम क्या करती हो? काफी बड़ी नौकरी है, मॉडर्न केमिस्ट में 90 रुपए मिलते हैं, पूरे 10 कम 100। हमारी कंपनी में काम करने के लिए तुम जानती हो क्या मिलेगा? 1000। 1000 पूरे 10 गुना 100। बाप रे। इन दोनों की नजदीकियों की खबरों से गुरुदत्त के विवाहित जीवन पर बहुत बुरा असर पड़ा। गुरुदत्त की पत्नी गीता दत्त, जो कि एक जानी मानी गायिका थी, वे भी इन सब बातों की वजह से बेहद परेशान रहने लगी। यहाँ तक कि उनके मनमुटाव और तलाक तक की खबरें उस समय तूल पकड़ गईं। बावजूद इसके वहीदा रहमान और गुरुदत्त की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री दर्शकों के दिलों को लुभाती रही और उन्होंने आगे भी कुछ फिल्मों में साथ में काम किया। ईयर 1959 में इस जोड़ी ने एक और फिल्म दर्शकों को दी। फिल्म का नाम था कागज के फूल। ऐसा माना जाता है कि ये फिल्म की कहानी गुरुदत्त के जीवन पर आधारित थी। मैं हरगिज नहीं पीने दूंगा आपको। लेकिन तुम मुझे क्यों रोकती हो? कौन लगता हूँ मैं तुम्हारा? हम एक दूसरे को कभी गलत नहीं समझ सकते शायद। ईयर 1960 में दोनों फिर से चौदवी का चांद फिल्म में पर्दे पर नजर आए। मिली खाक में मोहब्बत, जला दिल का आशियाना। चलिए बताते हैं सेंसर बोर्ड के उस किस्से के बारे में। दरअसल वहीदा रहमान फिल्मों में काम करते हुए भी इस बात के लिए बेहद स्पष्ट थी कि वे कोई भी भड़काऊ और अंग प्रदर्शन वाले कपड़े नहीं पहनेंगी। गुरुदत्त से लेकर अन्य सभी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के साथ भी उन्होंने हमेशा अपनी इसी शर्त पर काम किया। बावजूद इसके सेंसर बोर्ड ने फिल्म चौदवी का चांद गाने से वहीदा रहमान के एक दृश्य को हटाने का आदेश
गुरुदत्त साहब को दिया। दरअसल सेंसर बोर्ड के हिसाब से वहीदा उस दृश्य में बेहद सेंसुअस लग रही थी, जिसकी इजाजत वे नहीं दे सकते थे। ईयर 1960 में वहीदा रहमान फिल्म काला बाजार में देवानंद के साथ दिखाई दी, लेकिन गुरुदत्त साहब भी इस फिल्म में एक अहम किरदार में थे। क्या तू तुझे पहले से मैं बैठी हूँ दिल हार के, जा 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 जा। ईयर 1962 वो साल था जब आखिरी बार वहीदा रहमान और गुरुदत्त साहब ने फिल्म साहिब, बीवी और गुलाम में साथ में काम किया था। इस फिल्म के मुख्य किरदार में मीना कुमारी थी और वहीदा इस फिल्म में सपोर्टिंग रोल में नजर आई थी। मेरी बात रही मेरे मन में कुछ कह, पर यही वह फिल्म थी जिसके लिए पहली बार वहीदा को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस कैटेगरी में फिल्म फेयर की तरफ से नॉमिनेट किया गया था। और फिर ईयर 1963 में गुरुदत्त अपनी निजी जिंदगी में चल रहे कलेशों की वजह से वहीदा से पूरी तरह से अलग हो गए। लेकिन ईयर 1964 में 10 अक्टूबर के दिन गुरुदत्त ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, जब वे मात्र 39 साल के थे। कहते हैं जिंदगी चलने का नाम है। गुरुदत्त तो चले गए, लेकिन वहीदा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही थी। ईयर 1965 में वहीदा की वो फिल्म आई जो उनके करियर में सफलता का माइलस्टोन साबित हुई। फिल्म का नाम था गाइड। इस फिल्म में वहीदा ने रोजी नाम का ऐसा किरदार निभाया था जो अपने बेवफा पति की वजह से मनमोजी हो जाती हैं। ये किरदार उस समय के माहौल से बिल्कुल अलग था। खुद वहीदा रहमान ने कहा था कि ये रोल उनके लिए करना जरा मुश्किल था, लेकिन फिल्म एक बेहद सफल फिल्म साबित हुई और इस फिल्म ने ये साबित कर दिया कि वहीदा अपनी इमेज से बिल्कुल अलग किरदारों में भी जान डाल देने वाली अदाकारा है। इन्हीं सालों के दौरान जिन अन्य अभिनेताओं के साथ उन्होंने फिल्में की, वे थे एक फूल चार कांटे सुनील दत्त के साथ, रूप की रानी चोरों का राजा देवानंद के साथ, फिल्म राखी प्रदीप कुमार के साथ, राखी धागों का त्योहार बंधा हुआ एक एक, एक दिल सौ अफसाने राज कपूर के साथ, मुझे जीने दो सुनील दत्त के साथ, तो आँखें खोले सुई हुई पायल की छम छम सुई हुई, कोहरा विश्वजीत के साथ, और फिल्म 20 साल बाद जैसी थ्रिलर फिल्म में उन्होंने अपनी अदाकारी के जलवे बिखेरे। मेरा गीत मेरे दिल की पुकार है, जहां मैं हूं वहीं पे। उन्होंने सत्यजीत रे की बंगाली फिल्म अभिजन में भी काम किया। ये सभी फिल्में ईयर 1962 से 1964 तक रिलीज होती रही थी। और इसी के साथ वहीदा रहमान फिल्म इंडस्ट्री में थर्ड हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस बन गई थी। वहीदा रहमान का फिल्मी सफर बेहद शानदार रहा। उनके चेहरे पर मासूमियत और उनका व्यक्तित्व बेहद स्ट्रांग था। अपने फिल्मी सफर में एक्सपेरिमेंट करने से भी वहीदा रहमान कभी पीछे नहीं रही। ईयर 1966 में आई उनकी एक बेहद अनोखी फिल्म तीसरी कसम, जिसने बेस्ट फीचर फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड भी जीता। इसमें उनके साथ राज कपूर ने काम किया था। चिट्ठियां हो तो हर कोई बांटे, भाग ना बांटे कोई। राम और श्याम में उन्होंने दिलीप कुमार के साथ काम किया। ये सभी फिल्में उनके करियर ग्राफ को ऊपर की तरफ ले गई। एक और फिल्म जो उनके करियर का हिस्सा बनी, जिसे दर्शक कभी नहीं भूल सकते, फिल्म का नाम था नीलकमल, जो ईयर 1968 में रिलीज हुई। इस फिल्म में उनके साथ दो अभिनेताओं ने काम किया, मनोज कुमार और राजकुमार। फिल्म में वे पूर्व जन्म के प्रेमी और वर्तमान में अपने पति के साथ उलझे हुए रिश्तों में फंसी हुई एक दुखियारी लड़की के किरदार में दोनों दिग्गज अभिनेताओं पर भारी पड़ी। जो
रखी अब तक तेरी पनाह। उनकी एक्सपेरिमेंटल फिल्म खामोशी का जिक्र करना यहाँ बेहद जरूरी है। इस फिल्म को अगर आज भी कोई देख ले तो वहीदा रहमान द्वारा निभाया गया किरदार दर्शक के मन में उनकी तकलीफ को जीवंत कर देता है। इस फिल्म में उनके साथ कलाकार रहे धर्मेंद्र और राजेश खन्ना। इसमें वहीदा रहमान ने मेंटल असाइलम की एक ऐसी नर्स का किरदार निभाया जो अपने पेशेंट के साथ इमोशनली इस कदर जुड़ जाती है कि उसे ही बाद में मेंटल असाइलम में इलाज के लिए भेजना पड़ता है। जब वहीदा ने इस फिल्म को बनाने का जिक्र प्रोड्यूसर हेमंत कुमार से किया तब हेमंत कुमार ने उन्हें हिदायत दी कि ये फिल्म चल नहीं पाएगी। इसके जवाब में वहीदा ने कहा कि कुछ काम सफलता या पैसे के लिए नहीं खुशी के लिए भी करने चाहिए। उनकी अन्य सफल फिल्मों में पत्थर की सनम मनोज कुमार के साथ आदमी दिलीप कुमार के साथ का नाम लिया जा सकता है और इसके साथ ही वह फिल्म इंडस्ट्री की उस समय की सेकंड सबसे ज्यादा मेहनताना पाने वाली अदाकारा बन गईं। वैसे तो उनकी फिल्मों की सूची बहुत ही बड़ी है पर 80 के दशक की उनकी फिल्म कुली में निभाए उनके यादगार अभिनय को कभी नहीं भुलाया जा सकता। 90 की शुरुआत में भी उनके द्वारा अभिनीत फिल्म लम्हे में उनका काम बेहद सराहनीय रहा। हालांकि अब वे हीरोइन के दौर से बेहद दूर आ चुकी थी पर दर्शकों ने जब भी उन्हें इन फिल्मों में देखा तो उन पर भरपूर प्यार लुटाया। 20 के दशक में भी उन्होंने ओम जय जगदीश, वाटर, 15 पार्क एवेन्यू, रंग दे बसंती और दिल्ली 6 जैसी फिल्मों में काम किया। वहीदा रहमान जिन्होंने ईयर 1955 से 2009 तक बिना थके फिल्म इंडस्ट्री को बेहतरीन फिल्में दी उन्हें भारत सरकार ने ईयर 2013 में पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा। ईयर 2014 में उनकी बायोग्राफी कॉन्वर्सेशन विद वहीदा रहमान भी पब्लिश हुई। अगर बात करें इनकी निजी जिंदगी के बारे में तो फिल्म शगुन जो ईयर 1964 में रिलीज हुई थी उसमें उनके साथी कलाकार रहे शशि रेखी से ईयर 1974 में वहीदा रहमान ने शादी कर ली। इस शादी से इनके दो बच्चे हुए, सुहेल रेखी और काशवी रेखी, और इनके दोनों बच्चों ने राइटर के तौर पर अपना करियर बनाया। शादी के बाद वे अपने पति के साथ बैंगलोर में रही लेकिन 21 नवंबर 2000 में अपने पति के निधन के बाद वे वापस मुंबई बांद्रा में स्थित अपने फ्लैट में आ गईं। इन दिनों वहीदा रहमान अपनी बेहद क्लोज फ्रेंड आशा पारेख और हेलन के साथ अक्सर अपना समय बिताती हैं। अभिनेत्री नंदा भी इनके ग्रुप का हिस्सा रहीं पर वे ज्यादा घूमना पसंद नहीं करती थी। अक्सर ये तीनों साथ ही दिखाई देती हैं और घूमने के लिए साथ में ट्रिप्स पर जाती हैं। बॉलीवुड क्लासिक एरा की तरफ से इस शानदार अभिनेत्री को शत शत नमन। तो दोस्तों आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं और यदि आपके पास हमारे लिए कोई सजेशंस हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सुन रहे थे अपनी होस्ट और दोस्त ज्योति को। आज के लिए अब आपसे इजाजत लेना चाहूंगी और फिर मिलेंगे एक दूसरे सितारे के जीवन की कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।